ओशो जी कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो सामान्यतः अधिकांश आत्माएं पुनर्जन्म के लिए नए गर्भ का चुनाव तुरंत कर लेती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं बहुत अच्छी जैसे भगवान बुद्ध, महावीर आदि, या बहुत बुरी जैसे हिटलर, उपयुक्त गर्भ के उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा कर लेती हैं। अगर हम सामान्य आत्माओं की बात करें तो आत्मा अपने लिए गर्भ का चुनाव करने में कहाँ तक स्वतंत्र होती है। अब अगर हम इस सिद्धांत पर विश्वास करें कि हमें पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है तो गर्भ का चुनाव तो जटिल प्रक्रिया होगी, क्योंकि हमारे कर्म हमारा भाग्य निर्धारित करेंगे और घर के अन्य सदस्यों के कर्म उनके भाग्य निर्धारित करेंगे और एक दूसरे के भाग्य एक दूसरे को निश्चय ही प्रभावित करेंगे। तो क्या आत्मा के गर्भ के चयन हेतु कोई कारक यथा ईश्वर अस्तित्ववादी है जो उसे अमुक गर्भ का चयन करने पर प्रेरित कर या निर्देशित कर? ये प्रश्न देखिए श्री राम जी ने मेरे सामने रखा था। किसी भी बात को समझने के लिए बहुत ही संवेदनशीलता से हमको उसको समझना होता है। ये आत्मा, ये पुनर्जन्म, ये कर्म, ये सब कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का अर्थ है अवधारणा है, किसी के देखने का एक परसेप्शन है। किसी ने क्या कहा और क्यों कहा इस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी मास्टर के द्वारा कहे जाने के तमाम कारण हो सकते हैं, तमाम परिस्थितियां हो सकती हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट को और ट्रुथ के नज़दीक लाकर देखें तो हमको हैरानी होगी कि इतने पहले, आज से 2600 साल पहले, बुद्धा ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर कर दिया था। जैसे कि उन्होंने कंसेप्ट दिया अनत्ता का कि आत्मा नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। फिर उन्होंने जाति स्मरण की व्यवस्था रखी, जाति स्मरण के नाम पर उन्होंने कलेक्टिव मेमोरी और उसके पैटर्न और जिंदगी के जो एक्चुअल रियलाइजेशन है उसको आगे बढ़ाया और बड़े ही बारीकी से उन्होंने सारी चीज़ों को रखा। अनंत में भी हम लोग ये सब प्रयोग लेते रहते हैं और आगे उन पर काम करते रहते हैं। बहुत अगर इसको हम प्रिसाइजली समझें, जब ये शरीर मन समाप्त होता है यानी कि मृत्यु होती है तो सब कुछ डिजॉल्व हो जाता है। ऐसी कोई आत्मा नहीं बचती कि जो कहीं जाकर टिकी हुई है, अब वो इंतज़ार करेगी फिर अगले आने वाले गर्भ का चुनाव करेगी। अब क्यों ऐसा है, इस पर तमाम वैज्ञानिक शोध भी हुए और चिंतन मनन भी हुआ। अगर इस धारणा को आप मानेंगे तो फिर आप भूत प्रेत पिशाच इसमें उलझ के रह जाएंगे, अंधविश्वासों की एक नई श्रृंखला आपके सामने खड़ी हो जाएगी। रहा सवाल कर्मों का, तो मैंने बहुत बारी बात स्पष्ट की है कि कर्म जो हैं वो इम्पर्सनल हैपनिंग हैं जो एक विशेष शरीर मन के माध्यम से घटते हैं। व्यक्तिगत कर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती, चूंकि वो व्यक्तिगत शरीर और मन से घटते हैं तो उनके परिणाम व्यक्तिगत शरीर मन पर आते हुए जान पड़ते हैं। लेकिन गहरे में हम जाएंगे तो सारे कर्म अवैयक्तिक रूप से उस सोर्स से, उस कॉन्शियसनेस से घट रहे हैं। तो इस अर्थ में अगर हम देखेंगे इस कॉन्सेप्ट के ढंग से, जो कि मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, कोई आत्मा कहीं इंतजार नहीं करती। शरीर मन गिरा और वो डिजॉल्व हो गई टोटेलिटी में, जैसे मैं बार बार कहता हूँ सागर से एक लहर उठती है और सागर में ही खो जाती है, वो अलग कहीं उसका वजूद नहीं रहता। तो कोई इंतजार की बात नहीं है, अच्छी और बुरी आत्मा की बात नहीं है और उसके व्यक्तिगत चुनाव की बात भी नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत चुनाव से उसके अंदर एक कर्तापन पैदा होता है, एक डूअर। मूल जो सार है अध्यात्म का वो है अकर्ता का, नॉन डूअर का। अस्तित्व की उस समग्रता के माध्यम से नए नए शरीर मन रचे जाते हैं, घटते हैं, उनके माध्यम से क्रियाएं घटती हैं। तो यहाँ पर कोई चुनने के लिए एंटिटी नहीं बचती। अगर एंटिटी बचेगी तो बड़ा उलझन हो जाएगी, फिर कौन चुनेगा, फिर अच्छा चुन लें बुरा चुन लें, और फिर सोचने की बात है कि सारे लोग बुरा क्यों चुनेंगे फिर कोई भी आत्मा, क्योंकि अभी अगर आपको चुनने के लिए कहा जाए तो आप अच्छी परिस्थितियाँ चुनना चाहेंगे। इस पर भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसको कुछ सीखना है, लर्निंग लेनी है, तो उसको वो परिस्थितियों में जाना पड़ता है।
ये सब अम्ब्रेला कंसेप्ट है। अम्ब्रेला कंसेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ढकने के लिए हम बस केवल कंसेप्ट यूज करते चले जाते हैं। मेरा ये कहना है कि लर्निंग तो समझ से आती है। अगर आपको समझना है तो अभी समझ लेंगे, उसके लिए किसी खास परिस्थिति में जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अलग बात है कोई नहीं समझ पा रहे तो परिस्थितियाँ उसको सिखाती हैं। तो उस अर्थ में ये कंसेप्ट बिल्कुल ही व्यर्थ है, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसको स्पष्ट रूप से समझ लें, कोई आत्मा नहीं बचती, कोई जन्म लेने के लिए इंतजार नहीं करता, कोई व्यक्तिगत कर्म नहीं होता, अस्तित्व की समग्रता से नए नए शरीर मन रचे जाते रहते। Thank you.